वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है और मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो मैं इसको छोटे छोटे टर्म्स में मैं इसको ट्रेनिंग कंप्लीट करूँगा और टोटल जो ट्रेनिंग है 2 वीक्स के हो या 4 वीक्स के या 6 वीक के, तो इसमें बस इतना डिफरेंस है कि आप जो पेमेंट किए हो सर्टिफिकेट उतने ही वीक का मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। नंबर 2 की 2 वीक है उनका बाई डिफ़ॉल्ट, AICT जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 18 घंटे मुझे कॉन्टैक्ट क्लास देना होता है। तो अभी तक केवल हमारे बगल में केशव बैठे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ये भी ऑफलाइन है, दूसरे ऑफलाइन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ऑफलाइन में अगर आते दूर से, जैसे कि अभी ये अरुणाचल प्रदेश से सही हैं, काफ़ी दूर से हैं, तो अगर वो यहाँ पे आते और मैं पूरे महीने के लिए रोक देता तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता। ट्रेनिंग का तो दे ही चुके, रुकने और रहने खाने का जो पैसा अगर कैलकुलेट करें, तो अगर हमारे बगल में केशव ही बैठे हैं, तो अगर हॉस्टल में एज ए स्टूडेंट बैठे हैं तो पर डे इनका 200 रुपीज़ चार्ज लगेगा और खाने का भी करीब इतना ही पैसा लगता है। तो अगर इन्हें पूरे एक महीने रोक दूँ तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि ये चूंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो ICT की गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि जो भी स्टूडेंट हैं उनको 1.5 घंटे पर डेज के हिसाब से या 3 घंटे अल्टरनेट के हिसाब से आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गया। अगर आप फील्ड में होते तो मुझे मजबूरन यही अप्लीकेबल करना पड़ता, क्योंकि हम AICT गाइडलाइंस में यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, तो हमारे पास जो अथॉरिटी थी कि हम कांटेक्ट क्लास को 2 वीक्स का है तो मैं 18 घंटे कांटेक्ट क्लास को एक साथ चला सकता हूँ। तो जैसे 2 वीक का है तो 2 वीक का अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन में आते तो ये कुल मिलाकर आपका 3 दिन में कंप्लीट होता था, 6 आवर पर डे के हिसाब से। आप 4 वीक का आते तो मैं इसको 6 वीक फुल टाइम हम क्लास करते और आपको छोड़ देते। उसके बाद आप आराम से रिपोर्ट बनाते और जब टाइम पूरा होता एक छोटा सा टेस्ट भी लिया जाता है, वो टेस्ट देते फिर आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। ये चीज़ों को मैंने थोड़ा आसान बना दिया AICT की मदद से और यहाँ पे LTTC की मदद से, कि ट्रेनीज को भी परेशानी ना हो, मैं भी आसानी से ट्रेनिंग दे सकूँ और आपको भी कोई दिक्कत ना हो कि रोज 1 घंटा आधा घंटा इंटरेक्ट करें। बहुत ज़्यादा मैं बोर नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो डेली जो 3 वीक के हैं, 2 वीक के हैं, उनको 12 दिन की क्लास बैठती है। अगर हम बात करें आधा आधा घंटा के हिसाब से, ज़्यादा ज़्यादा 12 दिन में। 14 जो 4 वीक की हैं उनकी 4 क्लास और एक्स्ट्रा होती है, 16 से 17 वो लगते हैं। और 6 वीक वालों को एक रिपोर्ट सबमिट करना होता है। ये डिफरेंस होता है बाई डिफॉल्ट सर्टिफिकेट में। अभी मैं लेवल 1 का करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है, केवल हमारे बगल में कैसे है, इन्होंने ही मेरा ट्रेनिंग लास्ट ईयर अटेंड किया था, तो इनको तो मैं कह सकता हूँ कि लेवल 2 की भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल अकेले हैं तो इनको भी मैंने ही बोला है कि अभी आप फिलहाल इसी को रिवाइज करिए, फिर देखते हैं इसको। ठीक है, तो अभी आप चाहे किसी भी स्ट्रीम में आए, बेसिक सबसे पहले जरूरी होता है। तो उसी चीज़ को मैं आज पहले अपने इस सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और आधा घंटा का सेशन रखेंगे और डेली मैं आधे घंटे का सेशन रखने की कोशिश करूंगा। और समय मिलेगा जब थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा, 4 to 5 करीब थ्योरेटिकल पार्ट होंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल एक सेशन कराएंगे। एक कैंपस के अंदर पूरा का पूरा नेटवर्क कैसे बनाएंगे, उसकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, उसके अंदर हम लोग किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, इस बात पे हम लोग फोकस करेंगे। राइट, ठीक है। तो आज डे 1 में सबसे पहले हम जर्नी के बारे में बात करेंगे, जो टेलीकम्युनिकेशन का जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे खत्म हुआ, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो जो टर्म्स और टेक्नोलॉजी है पहले उसके ऊपर बात करते हैं, और दूसरा एक सवाल आपके सामने छोड़ूंगा, समय मिला तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो बस इतना है कि आप सभी लोग चैट के माध्यम से ये काम जरूर करिएगा, क्योंकि अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी होता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। वो जब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेशन स्टार्ट करूँ उस समय आप लोग हाय हेलो या जो भी आपको लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और क्योंकि पहला दिन है तो आप लोग कम से कम 2 चीज़ें जरूर लिखें, नाम और कॉलेज का नाम, शॉर्ट कोड, और 2 वीक या 4 वीक जो भी है वो लिख दें, फर्स्ट डे आपका रिकॉर्ड में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब मैं बोलूँ तो आप थैंक यू या जो भी आपको लगता है कोई सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं वो भी आप कर देंगे। ठीक है, राइट।
ठीक है, मन में कोई क्वेश्चन है डाउट हो तो आप चैट में तुरंत पूछिए। आप सीखने के लिए आए हैं और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मुझे फील्ड में काम करते करते मोर देन 22 ईयर हो चुके हैं, 23 साल हो चुके हैं, और आप में से बहुत सारे लोग दुनिया में आए ही नहीं होंगे। 99 में मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी और 94-95 में अपनी मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा सफ़र है। और अलग अलग लोकेशंस में मैंने काम किया है, मैंने इंटरनेट की शुरुआत की और अभी मैं 5G और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ। और क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपके हिसाब से मैं यहाँ बात करूँगा, और मैं दुनिया के जो जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उन्हें मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ITU जो है, आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, एक ITU ये लिखा हुआ है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ये दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम की संस्था है, एक यूनियन है, जैसे कि UNESCO है, यूनाइटेड नेशन है, आपका जो बड़े बड़े WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब क्या होते हैं, आपको परमिशन देती हैं। ठीक है ना, कोरोना महामारी आया तो दुनिया में इसको महामारी किसने डिक्लेयर किया, WHO ने डिक्लेयर किया। उसी तरह से टेली कम्युनिकेशन में या IT फील्ड में कोई डेवलपमेंट होता है तो उसको अथोराइज कौन करता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ें बनाएं और उसका बारे में डिस्कस करें और कहें कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई, लेकिन वो चीज़ परमिटेबल तभी होगी जब उसको ITU अथोराइज करेगा। अथोराइज कहेगा हाँ इसको आप यूज कर सकते हो। अगर आज ITU ने व्हाट्सएप को बैन कर दिया तो कोई कंट्री उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, सीधा सा बात है। तो कहने में एक बड़ी संस्था है, उस ट्रेनिंग संस्था का मैं पार्ट हूँ, मुझे उसको ट्रेनिंग देना होता है। APT एशिया पैसिफिक कंट्री के जो कंट्री हैं उनके लोगों को, उनके लिए इंडिया एक बड़ा कंट्री है, उनके देश के अंदर जो टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होता है उसके अंदर इंडिया का बड़ा रोल होता है। और जो अभी 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में मेरे पास 15 अलग अलग देशों के लोग आ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए, कुछ अपने फील्ड में अपने एक्सपर्ट होंगे, उसकी भी ट्रेनिंग मैं ही दूंगा। इसके अलावा एक कंट्री आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री भी एक 10 देशों का ग्रुप है, उसका भी ट्रेनिंग मैं ही देता हूँ और BSNL के अंदर मैं दे ही रहा हूँ, और DOT आप समझ ही रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। ये सारी जो संस्थाएँ हैं, नेपाल टेली कम्युनिकेशन के भी, भूटान कम्युनिकेशन के भी हमारे यहाँ ही से होता है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी संस्था है LTTC गाजियाबाद। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं इसका एक पार्ट हूँ। और आज भी चूंकि ये बैच मुझे नहीं दिया जाना था, मैंने पहले ही मैंने बोला था 3 तारीख को, लेकिन बहुत सारे आप में से कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बात किया था, तो मैंने उनसे बोला था कि अगर बैच मुझे दिया जाएगा तो मैं रोज आधे घंटा एक घंटा निकाल कर आपका बैच चला दूंगा। अल्टीमेटली हुआ यही कि घूम फिर के बैच मेरे पास में ही आ गया, लेकिन अभी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे आज की डेट में 115 लोग हैं जो ऑफलाइन यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल हैं, तो अच्छी बात है। मेरे लिए काम इतना मिला है अलग अलग सेक्शन के लिए, टॉप ऑफिसर्स, एक अलग हमारा रूम है वहाँ पे, इंडिया के जो टॉप ऑफिसर्स हैं BSNL के अंदर, वो लोग इकट्ठा हुए हैं। 5G लॉन्च होने जा रहा है तो बहुत जल्दी ही इंडिया का पहला स्वदेशी दूर संचार कंपनी जो BSNL दिया जाने वाला है, लॉन्च होने वाला है, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी हर एक पार्ट इंडिया के अंदर बनाई गई होगी। BSNL सन 2026 में दुनिया की और इंडिया की नंबर 1 कंपनी भी बनाने का हमारा प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। 15 अगस्त को पूरा विश्वास है, जैसा कि उन्होंने पहले बोला है और मुझे भी लग रहा है कि पॉसिबल है कि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर पर वो BSNL का नाम लेते हुए देश की पहली स्वदेशी दूरसंचार कंपनी को घोषित करेंगे, और 26 जनवरी 2024 को जो हमारा परेड है दिल्ली का, इंडिया गेट पे होता है, राष्ट्रपति भवन हिल, वहाँ पे BSNL जो पहली स्वदेशी दूरसंचार कंपनी होगी उसका एक झांकियाँ भी आपको देखने की मिलेगी। सपना बहुत अच्छा है, पूरा होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि देश की पहली कंपनी बहुत ऐसी बनने जा रही है। BSNL का रोल बहुत बड़ा है जो इस ट्रेनिंग के दौरान आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप केवल टेलीफोन लोकल लेवल पर, अभी आप जो टेलीफोन सिस्टम और टावर से जुड़े हैं केवल उसी के बारे में समझते हैं, लेकिन BSNL का रोल कितना बड़ा है आपको अभी समझ में आएगा समय के साथ अगले 2 सेशन में। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे जो शुरू करने वाला हूँ तो उसमें थोड़ा सा बातें मैंने काफ़ी कर ली, अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं PPT की मदद लूँगा, थोड़ा आपको आसानी रहेगा और आप लोग इस सवाल का जवाब भी देंगे, और ये पूरा रिकॉर्डिंग सेशन जो भी होगा ये हम आपको शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और इसका आप पूरा एडवांटेज ले सकते हैं। अगर हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ कहीं डिस्टर्ब हो गई हो तो भी आप कर सकते हैं।
हमारा ये सेशन जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है लाइव टेलीकॉम नेटवर्क टोपोलॉजी। टेलीकम्युनिकेशन का लाइव नेटवर्क क्या है, रियल में नेटवर्क क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जो टर्म्स का मतलब है टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, हम सब जानते ही हैं, इस पर हम कुछ नहीं बात करेंगे। सबसे पहला जो टर्म्स है, और मैं इसमें से आप लोगों में से कुछ लोगों को अनम्यूट भी करूँगा जो इसको बताएंगे, जो फर्स्ट टर्म्स है आपका, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिखा हूँ, टेलीकॉम वर्सेज आईटी कम्युनिकेशन, राइट, ठीक है। तो अगर मैं सवाल पूछूं कि टेलीकम्युनिकेशन और आईटी में क्या अंतर है, तो क्या बताएंगे, टेलीकॉम में आप क्या काम करते हैं और आईटी में क्या काम करते हैं? यस भास्कर, आर यू देयर? आपका ही नाम आ गया सबसे पहले, अनम्यूट हो जाइए, आपका माइक काम नहीं कर रहा है। चलिए कोई नहीं, मैं किसी को पूछता हूँ, और को तब तक माइक है। दीर्घा, आप दीर्घा पर अनम्यूट हो जाइए। टेलीकॉम और आईटी में क्या अंतर, अगर कोई ये पूछे कि टेलीकम्युनिकेशन और आईटी के बीच में डिफरेंस क्या है, तो क्या बताएंगे? चैट में कुछ लोग लिख के बताएं, अनम्यूट होके बताएं, माइक अनम्यूट कर लीजिए। मेरे साथ ट्रेनिंग लेना है तो सम, ठीक है ना, और नेटवर्क को ठीक करके रखिए, ऐसा नहीं चलेगा। यस, ठीक है। स्तुति, अनम्यूट प्लीज। आर यू नो हम लोग टेलीकॉम में क्या काम करते हैं, अगर मैं पूछूं? लाचा अग्रवाल बोलिए, अनुप्रिया बोलिए। सर हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। कोई एक पहला शेर आया, इसको मैं नौकरी दे दूंगा, यहाँ चिंता ना करो, क्योंकि यहाँ पे समझ लीजिए कि ये कोई वो नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी होता है ना, रिकॉर्डिंग होता है, कल को BSNL में भर्तियां होने वाली हैं, और कल आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए, मैंने कितने इंटरव्यू लिए हैं, ठीक है, तो सामने बैठे होंगे तो मैं याद रखूंगा कि मेरे से सवालों का मिलता कौन था, तो मुझे तो बोलने वाले ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो लक्ष्य अनम्यूट हो जाइए, बंद कर लीजिए। अब मैं पूछ रहा हूँ, आप टेलीकॉम में क्या काम करते हैं, टेलीकॉम में क्या, अगर कोई ये कहे कि मैं टेलीकॉम में काम करता हूँ, तो आपको क्या लगेगा, उसका क्या उत्तर होगा, क्या बंदा करता होगा? मतलब कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन, कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली, तो किस तरह का, वायरलेस मतलब कॉल वगैरह ये सब। ओके, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, कौन सा कम्युनिकेशन है? आईटी है शायद, टेलीकॉम और आईटी में अंतर क्या हुआ, मतलब आईटी में डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्शन होता है, टेलीफोन में नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं किसान क्या करता है, तो क्या उत्तर बताओगे? खेती करता है। बस कितना आसानी से उत्तर बताया आपने, मैंने आपसे पूछा किसान क्या करता है, तो आपने बहुत ही आसानी से बोला खेती करता है, तो मैं उसी तरह से जानना चाहता हूँ कि टेलीकॉम में क्या करते हैं लोग, कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, मेरे पास टेलीफोन है, आपके पास टेलीफोन है, हमने एक दूसरे को नंबर डायल किया और बात किया, ये क्या कहलाएगा, टेलीकॉम। क्लियर हो गया ना, ये पुराना जमाना हो गया, आज के जमाने में, आज के समय में मेरे पास फोन है, आपके पास फोन है, कम्युनिकेशन का स्वरूप बदल गया। मैं यहाँ पढ़ा रहूंगा, कुछ लोग खाली अटेंडेंस लगा रहे हैं क्योंकि मेरी बात का जवाब तो दे नहीं रहे, तो डेफिनेटली क्या कर रहे होंगे, मोबाइल उठा के व्हाट्सएप खेल रहे होंगे, एक दूसरे को बिना नाक कान का टकला भेज रहे होंगे, ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे लिख रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे, हंसी मजाक कर रहे होंगे, गुस्सा भी कर रहे होंगे, क्या वो कम्युनिकेशन नहीं है? वो भी कम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन का नया स्वरूप आईटी कम्युनिकेशन है, सीधी सी बात है। आईटी कुछ नहीं है, आईटी को चलाने के लिए तीन चीजों का जरूरत होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। समझ में आ गया, टेलीकॉम खत्म हो गया, आज की डेट में टेलीकम्युनिकेशन नहीं मिलेगा, वो जमाना, लेकिन आप लकी हैं कि अभी भी आपको मालूम है कि टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, टेलीफोन क्या होता है, एक दूसरे को नंबर डायल करेंगे और बात करेंगे, लेकिन दिसंबर 2025 के बाद एक दूसरे को नंबर डायल करने का कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आप सभी से बोला कि आप 4 बजे आप शाम को मिलिए, मैंने आपको लिंक दिया और आप लिंक से जुड़ गए, ठीक है, ठीक है, हमने आपसे कोई नंबर नहीं लिया, हमने आपको लिंक दिया, ये भी कम्युनिकेशन है, नया सुर, द न्यू, बहुत ही सिंपल भाषा में
टेलीकम्युनिकेशन का जो नया नाम है उसी को हम आईटी बोलते हैं। और आईटी को चलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए और नेटवर्क होना चाहिए। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां मिलेंगी आपको, या तो हार्डवेयर बना रही होंगी या तो सॉफ्टवेयर बना रही होंगी। ज्यादातर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बोल देते हैं और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को हम लोग आईटी कंपनी बोल देते हैं। बल्कि एक्चुअली में है क्या, वो दोनों ही आईटी से पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है। और नेटवर्क कहाँ मिलेगा, नेटवर्क इन दोनों को जोड़ने में, मेरे पास कंप्यूटर है, आप अपने मोबाइल फोन से जुड़े हैं या लैपटॉप से जुड़े हैं या फिर डेस्कटॉप से जुड़े हैं, आई डोंट नो, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेरे से जुड़े, तो हमारे पास एक डिवाइस है और एक आपके पास डिवाइस, हम जब दोनों आपस में जुड़े तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये भी एक टेलीकम्युनिकेशन का नया स्वरूप है। आज के बाद 10 साल के बाद, दिसंबर 2025 के बाद जो भी लोग पैदा होंगे ना, और वो 10 साल बाद आप में से कोई यहाँ पे, या 15 साल बाद आप में से कोई यहाँ मेरी सीट पे बैठा होगा और वो बंदा सामने बैठकर ट्रेनिंग ले रहा होगा, तो वो भी अगर पूछे, उससे भी अगर पूछे कि भैया टेली नंबर डायल क्या होता है, तो कहेगा ये क्या होता है, वो नहीं, उसको नहीं मालूम, वो जमाना ही चेंज हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन आप अभी लकी हैं कि आपको मालूम है कि नंबर डायल क्या होता है। तो पहला जो पॉइंट था टेलीकॉम वर्सेज आईटी कम्युनिकेशन, तो ये दिमाग से निकाल लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो चाहे कंप्यूटर के आईटी के, टेलीकम्युनिकेशन कम्प्लीटली कन्वर्ट इन द आपका आईटी कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं नहीं बोला कि सबसे पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अगले, ये आपका लेवल जो है ऑर्डिनरी डिवाइस, इंटेलिजेंट स्मार्ट, एआई और मेटावर्स, इनमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका नाम आपने ना सुना हो, ठीक है। तो आप में से कोई दो दोस्त हैं, गहरे दोस्त, देवज्योति, आपकी आवाज आ रही है, आपके कॉलेज में ये दीर्घा आपके साथ पढ़ती है, जी सर, ठीक है। अब मैं बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताएं, आर यू इंटेलिजेंट? मुझे सुनाई कम दे रही है, और बढ़ा लेते हैं, शायद आपकी आवाज तेज आ जाए, चलिए मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अगेन आई रिपीट, तो आप अच्छा चलिए, ये दीर्घा इंटेलिजेंट है? Yes, sir. कैसे माना आपने? अच्छा चलो, ये सवाल मैं सभी से पूछूंगा। फैन आपके यहाँ पंखा यूज होता है घर में, क्या पंखे के बारे में जानते हैं घर में, फैन? यस सर। अच्छा, आप दुकान पे गए, आप सभी लोगों, सवाल मेरा सभी से है, चैट में लिखेंगे आप लोग इसका आंसर देंगे, सभी लोग मार्केट गए और एक पंखा खरीदने गए, ठीक है। दुकानदार ने आपका स्वागत किया, आइए आप सभी का मेरा दुकान में स्वागत है, देव ज्योति आप आए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ। आप सबसे पहले ये बताओ कि कितने रुपए का पंखा चाहिए, वो तो हमारे इंडियन की आदत होती है, जितने इंडियन होती है ना सबसे पहले पैसे के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सवाल पूछा कि आपको किस तरह का पंखा दिखाएं, एक ऑर्डिनरी फैन है वो दिखाएं आपको, या हमारे पास एक इंटेलिजेंट फैन रखा है वो दिखाएं, एक स्मार्ट फैन है और एक अभी लेटेस्ट मॉडल का एआई फैन आया हुआ है, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला, मेरे पास चार तरह के पंखे हैं, एक नॉर्मल फैन जिसे ऑर्डिनरी फैन बोला, एक आपका इंटेलिजेंट फैन, एक आपका स्मार्ट फैन और एक एआई लेटेस्ट मॉडल का फैन आया हुआ है, राइट, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि आप ये बताएं देव ज्योति कि नॉर्मल फैन कौन सा होगा, बाकी लोग चैट में लिखेंगे। तो नॉर्मल फैन जो सिर्फ स्विच ऑन करने से एक तरफ घूमेगा वो नॉर्मल फैन होगा। नॉर्मल फैन होगा, स्विच ऑन ऑफ करने से बंद हो जाएगा, ठीक है, मान लिया मैंने। इंटेलिजेंट फैन कौन सा? सर इसमें मतलब कोई स्पीड लिमिट होगी कि हम उसे स्पीड को लिमिट कर सकते हैं कि बड़ा नॉर्मल फैन में स्पीड लिमिट नहीं कर सकते? सर कर सकते, लेकिन वो अपने आप से हो सकता है कि टेम्परेचर होगा या तो कुछ सेंसर होगा कि टेम्परेचर अगर इससे ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, इससे मतलब वो थोड़ा बहुत तो पकड़ ही रहे हैं इसके अलावा। अच्छा, यस अनुप्रिया, आर यू देयर? अनुप्रिया आर यू देयर? आप लोग माइक ठीक करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीयूष मोटवाल, आर यू देयर? यस सर।
मेरा सवाल आपको समझ में आया, मैंने क्या सवाल पूछा आपसे अभी लोगों से? यस सर, ठीक है, तो आपका क्या आंसर है, नॉर्मल फैन कौन सा होगा? आपने लिखा तो है। यस सर, एक्चुअली नॉर्मल फैन सर केवल उसमें दो ऑप्शंस हमारे पास प्रोवाइडेड होंगे, जिसमें एक स्विच ऑन करने का, स्विच ऑफ करने का, एंड एक रेगुलेटर होगा जिससे हम उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो रेगुलर फैन हम यूज करते हैं। हाँ ठीक है, मान लिया मैंने। और इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा? स्तुति ने भी आंसर दिया है, आप बताइए। एक नेक्स्ट सर, एक एडवांस लेवल पे अगर हम चले जाएं तो कुछ फैंस होते हैं जिन पे हमारे पास रिमोट कंट्रोल लेवल फैंस हमारे पास प्रोवाइडेड होते हैं, जिससे हम रिमोट से डायरेक्टली उसे इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, फैंस को कनेक्ट कर सकते हैं फैंस से। आपने आंसर को काफी नियर बाई से कनेक्ट किया है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं आपके सवाल के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा टाइम का ध्यान में रखते हुए। इन्होंने आंसर बहुत अच्छा दिया है, मतलब क्रिटिकल आंसर भी, लेकिन अब आपको बहुत आसान है। सबसे पहली बात की, पहले तो हम मैंने दीप ज्योति से पूछा कि आप इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? आप सभी लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं? चैट में लिख के फटाफट बताइए, देखते हैं कौन कौन लिखता है। एनीवन हु इज इंटेलिजेंट, आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, यस या नो? सईद निसार भी कुछ लिख रहे हैं, इंटेलिजेंट फैन विल बी लेस साउंड प्रोड्यूसिंग वन। ओके, मान लिया मैंने आपकी बात, कोई गलती नहीं है। ठीक है, यस, पीयूष ने भी मान लिया, दो लोग इंटेलिजेंट, बाकी लोग हैं कि नहीं? देव ज्योति भी मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, वेरी नाइस। चलिए, अच्छी बात है या नहीं अभी तो सबने पूछा, अगर पूछ दूं क्यों है तो बता नहीं पाओगे, कोई बता पाएगा? हाँ बताओ भैया मोटवाल जी, पीयूष हाँ बताइए। यस सर, आप आपने आपने लिखा कि यू आर इंटेलिजेंट, व्हाई सर? बिकॉज़ द बेसिक इंटेलिजेंस होती है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, एंड मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने अभी, अब सवाल मेरा इंसानों के ऊपर है, मैंने पूछा आप इंटेलिजेंट, आपने लिखा मैं, ठीक है? yes, sir, कैसे मान जाओ कि आप इंटेलिजेंट है, क्या ऐसी क्वालिटी होगी? सभी लगभग सभी ने, जितने लोग हैं सब यस यस लिख रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि आप इंटेलिजेंट हैं? सर वही जो बेसिक इंटेलिजेंस के पैरामीटर होते हैं, आप उनसे मुझे एनालाइज कर सकते हो। बेसिक पैरामीटर क्या है? दुनिया का हर चीज जो है आप इंटेलिजेंट ही कहेंगे, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरा पड़ोसी इंटेलिजेंट है, मेरा भाई इंटेलिजेंट है, मेरा दोस्त इंटेलिजेंट है, कैसे? So, वही, अगर मैं आपकी, मतलब अगर मैं, यदि मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ ठीक से, yes. और उसके ऊपर उस चीज को फॉलो कर पा रहा हूँ और उस चीज को समझ के और अप्लाई कर पा रहा हूँ, तो आई वुड से दैट आई एम इंटेलिजेंट। बिल्कुल सही बोला आपने, अब इस चीज को मैं थोड़ा और इजीली बैनर में कर दूं। दुनिया की हर चीज इंटेलिजेंट होगी, हर चीज, चाहे इंसान ने बनाई हो या भगवान ने बनाई हो, अगर उसमें दो चीजें हों, जैसा अभी पीयूष ने बिल्कुल सही बोला, पहला चीज होनी चाहिए सेंस, फर्स्ट इज द सेंस, मैं कोई चीज बोल रहा हूँ मेरी बात सेंस कर सकते हो, दूसरी चीज है मेरी बातों को आप याद कर सकते हो, मेमोरी, सेकेंड इज द मेमोरी, ठीक है ना? ऑल आर इंटेलिजेंट, मैं कुछ बोल रहा हूँ सभी सेंस कर सकते हैं, मेरी बातों को याद कर सकते हैं, या गॉड गिफ्टेड होगा कि आपका सेंसर भी ज्यादा होगा, आपका मेमोरी भी ज्यादा होगा, उस हिसाब से अपने दोस्तों को यारों को मोर इंटेलिजेंट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये होता है गॉड गिफ्टेड। ये भी हो सकता है कि आपका, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, किसी का, मैं किसी को बात बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, मेरी बात समझ नहीं रहा हो, तो आप क्या कहते नहीं हो नॉनसेंस? अगर एक भी चीज गायब हो तो कहते हो ना नॉनसेंस, ठीक है? और ये भी तो कहते हो बहुत बार, हाफ माइंड क्रिटिकली यूज किया ने अपने दोस्तों के साथ में, क्यों? आंसर इज हियर, इसके अलावा हजार फीचर बताओ, नो डाउट बहुत सारे चीजों ने लिखा आप लोगों ने, अलग भी आंसर लिखे, उसे गलत नहीं कह सकते, बट हमें एक्यूरेट आंसर पकड़ना है। एक्यूरेट आंसर यही है कि आपके पास सेंस भी है और मेमोरी भी है, कम या ज्यादा होना वो डिपेंड करेगा, गॉड गिफ्टेड है, लेकिन दोनों चीजें, चाहे पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, चाहे हमारे द्वारा कोई चीज बनाई हो, जैसे पंखा है, पंखे के अंदर पीयूष ने बिल्कुल सही बोला कि अगर उसके अंदर नॉर्मल फैन वो होगा, उसका हर चीज मैनुअली होगी, स्पीड को घटाना बढ़ाना, रोटेट करना, ऑन ऑफ करना, एवरीथिंग इज द मैनुअली इन द नॉर्मल फैन। ओके, अगर इन्हीं पंखे के अंदर, इसी फैन के अंदर एक सेंसर और एक मेमोरी चिप लगा दिया जाए, तो यही चीज हम कंट्रोल कर पाएंगे रिमोट के माध्यम से, समझ में आ गया? एक सेंसर और मेमोरी चिप, और फिर वो रिमोट से उसी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसको स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, आप कर पाएंगे डिसीजन, ठीक है? दिस इज आपका इंटेलिजेंट फैन। क्लियर हो गई मेरी बात? अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप सभी लोग समझ गए, ऑल आर इंटेलिजेंट, कम ज्यादा होना आपका पड़ोसी बताएगा, भगवान बताएंगे कि आपको क्या गिफ्ट मिला हुआ है, ठीक है? अगला जो है आपका स्मार्ट डिवाइस, तो अगेन माई क्वेश्चन,
पीयूष तो वीडियो क्योंकि आपकी आवाज अच्छी आ रही है तो रिकॉर्ड भी अच्छी हो रही है, तो आप मुझे बताएं आर यू स्मार्ट, इंटेलिजेंट हो गए आप, स्मार्ट हैं यस या नो? सर यस सर। कैसे सर? इंटेलिजेंस तो जैसे आपने बताया कि एबिलिटी टू सेंस एंड उसको मेमोराइज करना, बट अनदर लेवल पे आई व्हाट आई थिंक स्मार्टनेस इज कि उसे आपने मेमोराइज करा उसे अप्लाई करना शायद। तो स्मार्ट डिवाइसेस पे मतलब व्हाट आई थिंक स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं वो हमारे किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाएं या फिर हमारे मोबाइल से अगर मैं कनेक्ट कर पाऊँ उन्हें तो वो यूजुअली वो वाले डिवाइसेस स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि सर मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर लो अगर आप अपने फ्रिज को या फिर अपने फैन को। आप ये तो बताने में सफल रहे कि स्मार्ट डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, नो डाउट कि आपने सही चीज पकड़ा कि कनेक्ट तो करेंगे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पीछे लैक रह गए कि कनेक्ट करने से क्या फर्क पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, टाइम का ध्यान रखा मैं बता रहा हूँ। देखो क्या है ना, हमारे टाइम में इंजीनियरिंग में एडमिशन बड़ा कठिन काम था। उस समय इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना 1994 में 1995 में, मतलब समझ लो कि पूरे यूपी के अंदर अगर कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता था तो वो बड़ा कठिन काम था, और कहीं सिलेक्शन हो जाता था। मैं ठहरा बनारसी आदमी, ठीक है, तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो वहाँ के जितने भी रेडियो टीवी न्यूज़पेपर जो भी थे ना, घर पे टाटा लग गया, क्योंकि उस समय इंजीनियर की वैल्यू एक आईएएस आईपीएस से ज़्यादा होती थी। अगर उस समय के बच्चों से पूछा जाता कि तुम क्या बड़े होकर बनना चाहते हो, सीधा कहता था कि मुझे तो इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना, दो ही शब्द होते थे, और कोई ये नहीं कहता था कि मुझे आईएएस बनना है। वही कहता था, एकाध दो कहते हाँ ठीक है, जब भी कह देता था ना हम कलेक्टर बनेंगे, वो बनेंगे, अच्छा ये इसको साइंस कमजोर होगा, हम लोग इस तरह से उसको ट्रीट करते थे। ये मेरे अपने जमाने की बात है। अगर किसी की इंजीनियरिंग अच्छी थी, किसी की मतलब साइंस और वो चीज़ अच्छी थी, तो यार वो डॉक्टर बनता था इंजीनियर। लेकिन अगर वो ये कहता मैं कलेक्टर बनूँ ना, तो सोचो कि मैं किस इरा से होके आया हूँ। उस इरा में ये सोचते थे अच्छा ये कलेक्टर बन रहा है, ठीक है, इसका आर्ट साइज अच्छा होगा, लेकिन इसको मैथ साइंस अच्छे से नहीं आता, तो मतलब हम लोग उसको नीचा मानते थे। और आज जमाना उल्टा हो गया, क्योंकि कोई ऑप्शन बचा नहीं ना, तो कहते हैं ना कहावत है, क्या बोलते हैं कहावत है, अंधों में काना राजा। अब कोई नौकरी तो बची नहीं है, एक ही नौकरी दिख रही है भाई, थोड़ा ठीक ठाक उसी को कह दे भाई बनना है, उसी को बड़े बना, वो भी अब आने वाले समय में उसका भी एंडिंग होने वाला, शुरुआत हो चुकी है, तो वो भी अब रहेगा नहीं, फिर इंजीनियर अपने फिर अपने आप वापस फॉर्म पे आ जाएंगे, ठीक है। तो उस समय जब सिलेक्शन होता था बड़ा, और सारे इंजीनियरिंग कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी थे, अपना अलग एग्जाम कराते, और पूरे यूपी के अंदर सारे पेपर देने के बाद, आईआईटी का, एमएनआर का, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का, सारे देने के बाद भी टोटल 2058 स्टूडेंट ही इंजीनियर बनते थे। सोच लीजिए इतने बड़े यूपी में, आज की डेट में तो लाखों बन रहे। तो मेरा सिलेक्शन हुआ, हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की जो थी, जो आईटी रुड़की के नाम से जानी जाती है आज की डेट में, मैं पहली बार वहां गया, वो 90 सीट का सेपरेट एग्जाम कराती थी। क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्जाम कराते थे, तो उनको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था कि कितने बच्चे रिपोर्ट करेंगे। तो पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की जब गया, और नो डाउट कि हमने एक कठिन परीक्षा पास किया था, और केवल 90 लोग ही सेलेक्ट हुए थे, और देश के कोने कोने से लोग आए थे। तो हम मैं जब वहां पे गया तो यूनिवर्सिटी को तो आइडिया नहीं कितने बच्चे आए, तो उन्होंने क्या किया, सभी ब्रांचों को एक जगह बैठा देता था पहले दिन, हमें बैठा था, मेरे साथ तो ही किया था उन्होंने, और मैं बनारसी आदमी था, मैं क्लास में पीछे बैठा था। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहीं पे आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा। क्लास में करीब 30-40 बच्चे आ गए थे, मुझे याद है करीब 40 के आसपास में स्टूडेंट आ गए थे, फैकल्टी नहीं आई थी, मैं क्लास में बाहर बैठा हुआ था पीछे के साइड में, और मैंने जब तक फैकल्टी ने, मैंने क्या महसूस किया क्लास में, और ऐसा आपके साथ भी होता होगा या होता रहा होगा, कि जब तक फैकल्टी ने आई, कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो खड़ा होते थे सीट पे, कभी कहीं बात करे, किसी से बात करे, ज्यादा बात करने की कोशिश करते थे। तो मेरे अंदर से ना इंटरनल एक वॉयस आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। आपके साथ ऐसा होगा ना, कुछ होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप कहते हैं बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, ठीक है, ओवर स्मार्ट। हमारे उसी क्लास में एक बच्चा और भी था जो किसी से बात नहीं करता था, किसी जो मेरे बगल में बैठा था, आंध्रा का था वो, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली उसको हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती थी, या कह सकता हूँ उस टाइम नहीं आती थी, बाद में मुझे वो मेरा रूम पार्टनर भी बन गया, ठीक है ना। तो जब मैं उससे पूछता था कि यू कम फ्रॉम विच प्लेस, तो जवाब ही नहीं देता था, हिंदी तो आती नहीं थी, इंग्लिश में कदम बोलता नहीं था, लेकिन नो डाउट एक एग्जाम पास करके आता तो मैं उसके इंटेलिजेंसी पे क्वेश्चन नहीं कर सकता था, लेकिन वो बोलता नहीं था। उसके लिए भी मेरे अंदर से एक आवाज आई,
मैं ठहरा बनारसी, तो बनारस में एक भाषा बोली जाती है, जब आदमी जब नहीं समझता कहता बड़ा घोचू है, घोचू का मतलब डफर है। आंसर इज हियर, एक ने जिसने ज्यादा बात किया उसको मैंने कहा ओवर स्मार्ट, और एक ने जिसने बात नहीं किया उसको हमने क्या बोला डफर। तो सीधी सी बात है कि अगर आपका इंटेलिजेंट है, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इसमें ऐड कर देता हूं कम्युनिकेशन, तो ये हमारा जो है आपका स्मार्ट डिवाइस बन जाएगा। स्मार्ट, यू आर स्मार्ट, ओवर ज्यादा बोलोगे ओवर स्मार्ट। तो ये अभी पीयूष ने बिल्कुल सही बोला, जितने भी डिवाइस हैं अगर उसको इंटरनेट से जोड़ने की फैसिलिटी जोड़ दी जाए, तो दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर मैं अपने फैन को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, उसकी स्पीड घटा बढ़ा सकता हूँ। ये मेरा फोन स्मार्टफोन है, आप मेरे फोन देख रहे हैं हाथ में, दिस इज स्मार्टफोन। ये मेरा फोन स्मार्ट तभी कहलाएगा जब इस पे इंटरनेट से आप जोड़ सके, अदरवाइज सिंपल डब्बा है, चाहे इसमें 1000 फीचर बता दो, ठीक है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कुछ नहीं है, दुनिया का अभी 5G में क्या होने वाला है, अभी आप 5G सुन रहे हैं, स्पीड इंटरनेट का तो 4G में बहुत है, वो इंटरनेट हमारे आज के इंटरनेट करने के लिए हमें 5G की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट प्लान है हर चीज को हम इंटरनेट से जोड़ेंगे, दुनिया का हर एक चीज मुझे इंटरनेट से जोड़ना है, IoT और 5G मतलब दिस इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये आपका नेक्स्ट जनरेशन है स्मार्ट जनरेशन। एक वीडियो होगा आपने पहले भी देखा होगा, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और फिर इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बाकी हम लोग कल थोड़ा और बात करेंगे। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सके। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। In which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं, ये भी आपका डिशवॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं?
ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। इसके बारे में मैं और डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो पहली चीज़ तो जो अभी हम बात कर रहे थे आपका यहाँ पे, तो नो डाउट कि आपको ये चीज़ लगभग क्लियर हो गई होगी कि टेलीकॉम और आईटी का डिफरेंस क्या है। हम अब जो भी प्लेटफॉर्म है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के खास तरह के लोग हैं, उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि जो कम्युनिकेशन है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया आपके आईटी फील्ड में, ठीक है। तो आईटी फील्ड आपका ही फील्ड है। मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में की थी। जब मेरी पोस्टिंग आईटी डिपार्टमेंट में सन 2005 में करी गई तो मैं बड़ा सरप्राइज हो गया, क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग ही समझते थे ये कंप्यूटर साइंस का है, ये आईटी का है, नया नया आईटी आया हुआ था, ठीक है। तो हम उनको अपना सब्जेक्ट नहीं मानते थे, कहते वो तो सॉफ्टवेयर बनाएगा ना, आईटी वाला कुछ और करेगा, नेटवर्क करेगा, कुछ इस तरह का दिमाग में जितना रहता था आइडिया, और पढ़ाई भी उसी हिसाब से करते थे। लेकिन जब फील्ड में आया तो मैं शॉक में आ गया कि ये हम जिस चीज़ से भाग रहे थे वही चीज़ तो मेरा है, हम भविष्य से दूर भागे, ठीक है। सर्किट बनाना एक अलग हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के साथ हमने कम्युनिकेशन की भी पढ़ाई की थी। तो कम्युनिकेशन में ठीक है एक नेटवर्क अलग हो गया, लेकिन एक्चुअल में नेटवर्क का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा वो भी तो हमारा ही पार्ट है, दैट इज द, और वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो आईटी के रूप में हमारे सामने आया। और फिर हमने वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की कि एक सिंपल डिवाइस का सफर जो हमने अभी यहाँ डिस्कस कर रहे थे, फिर इंटेलिजेंट और स्मार्ट, और फिर आज के ज़माने में हम AI डिवाइस पे पहुँच गए हैं। तो इसके बारे में जो नेक्स्ट टू पार्ट है, और एक सवाल जो है कल हम आपके लिए सामने रखेंगे, प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, आइए आधा घंटा मेरी बात ध्यान से सुनिए और 4-5 सेशन में फिर आपको बिल्कुल बेसिक लाइन ओके हो जाएगा। तो फिर आपको रियल जो हमारा एक कैंपस के अंदर पूरा प्रैक्टिकल है वो कैसे करते, वो पूरा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और होपफुली कि आप एक रिपोर्ट भी बना पाएंगे। अगर सही तरीके से अटेंड करेंगे नो डाउट कि आप सभी लोग बना पाएंगे। फिर आप इस बात में सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि हम जिसकी लंबी लंबी बातें करते हैं, IoT हुआ, AI हुआ, आपका मेटावर्स हुआ, मेटावर्स का नाम भी होपफुली कि आप लोगों ने सुन लिया होगा अब, ठीक है। और फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और कैसे कैसे इस चीज़ का रोड मैप तैयार हो रहा है वो हम लोग इस पे फोकस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अगेन हम आप सभी से मिलेंगे ठीक इसी टाइम पे, और आराम से सेफ रहिए। पहले मैं आप लोग का रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो नो डाउट आप व्हाट्सएप में जरूर पूछिए और आराम से पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप लोग कंफर्टेबल फील करें तो आपका टाइमिंग हम रात को भी रख सकते हैं, 9:30 बजे से 10:30 बजे, ठीक है। इसके बारे में अभी पहले कल का क्लास अटेंड करिए, सोच के बताइएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, एनी कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो यू कैन ऑक्स। यस सर, एक चीज पूछनी थी। यस बिल्कुल पूछिए सर। क्लास आधे घंटे से 40 मिनट की होगी रोज? मैक्सिमम 1 घंटे की होगी, डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल इस वीक में खाली नहीं हूँ, इसलिए मैं आधे घंटे से 40 मिनट ही रखूंगा अभी। अच्छा सर, एक्चुअली वो मुझे बताया था कि 1.5 घंटे या 3 घंटे का ऑप्शन होता है ना सर। वो ठीक है, उनकी जगह आपका, आप इस बात से परेशान मत होइए। अगर आप 2 वीक अच्छा। कहें तो भी मैं आपको 15 दिन का आपको जो पूरा है क्लास, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप उसके जाएंगे तो 12 दिन का मिलेगा। मैं जो करा रहा हूँ उसको 15 दिन का मिलेगा, ये फायदा मिलेगा। इस चीज का आपको फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना है, ठीक है ना। इसके लिए परेशान है और आपके लिए अच्छा है, ये छोटा सा वीडियो भी रिकॉर्ड, देखने में भी आसानी रहेगी, फट से देख लिया, मिस हो गया, ठीक है ना। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो पूरा पैकेज है उसके लिए दिन का चिंता मत करिए। सर्टिफिकेट आपका भरे टाइम पर जनरेट हो जाएगा, जो पूरा क्लास वो कंप्लीट कराएगा, जो भी मटेरियल वो सारी चीज आपको दी जाएगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। और किसी को कोई सवाल? ठीक है, कल मिलते हैं, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर।